ये चार्ट हम देख रहे हैं जिसको पर्टेंट सीपीएम चार्ट कहा जाता है, प्रोग्राम एनालिसिस या प्रोग्राम नेटवर्क एनालिसिस, कार्यक्रम रेखाचित्र विश्लेषण। इस चार्ट में ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, ये कुछ पॉइंट दिखाए गए हैं जो इवेंट्स कहलाती हैं। जो ये राउंड में ए बी सी डी दिखाए गए हैं, दीज आर इवेंट्स। और ए से बी तक फर्स्ट एक्टिविटी है, बी से सी सेकंड एक्टिविटी है, बी से डी थर्ड एक्टिविटी, बी से ई फोर्थ एक्टिविटी। तो ये जो एक दो तीन चार पाँच ये दिखाई हैं, ये एक्टिविटीज़ हैं, और ए बी सी डी ई ये इवेंट्स हैं। तो सबसे पहले तो पार्ट सी पी एम में हमें इवेंट्स एंड एक्टिविटीज़ क्या है इनको समझना होगा। उसके बाद ये इवेंट्स हैं क्या ये समझना है। जो ए है, ये पहली जनवरी को जो हमें कार बनाने का आदेश मिला, फर्स्ट इवेंट है, पहली इवेंट हमें कार बनाने का आदेश मिला 1 जनवरी को। बी इवेंट, हमने कार बनाना शुरू किया, ये पहली एक्टिविटी है और दूसरी इवेंट है जो 3 दिन का समय लेगी। सी इंजन तैयार करने के पुर्जे हमें प्राप्त किए, जो ऑर्डर दिया था हमने बाहर से पुर्जे मंगाने का, पार्ट्स मंगवाने का, वो पार्ट्स हमें मिले 5 दिन बाद। नीचे ऊपर एक्टिविटीज लिखे हैं, नीचे टाइम लिखा है, 5 दिन हमें उनको प्राप्त करने में लगे। तो ये हमारी दूसरी एक्टिविटी है। और तीसरी इवेंट है डी, कार का जो मेन बॉडी है उसकी इंस्पेक्शन करनी है हमने, इंस्पेक्शन के लिए वो तैयार हो गई, जो हमने बॉडी बनाई थी, ऊपर जो बाहर से पार्ट्स मंगवाए हैं वो रास्ता दिखाया गया है, ए बी सी एफ जी और ए बी डी जी, ये दूसरा मार्ग दिखाया है। 2-3 काम हमने साथ साथ शुरू दिखाए हैं इसमें किए हुए, जो हम बॉडी बनाएंगे वो ए बी डी जी, ये दिखाए गए हैं दिन उसमें जो लगेंगे। तो हमने बी से, बी इवेंट से डी इवेंट तक बॉडी बना के तैयार कर दी, और डी इवेंट 4 दिन इसमें लगे, और जो डी इवेंट है वो ये दर्शाता है कि इंस्पेक्शन के लिए हमारी जो कार की बॉडी है वो तैयार हो गई। ई फ्रेम साथ साथ तैयार किया, और फ्रेम भी इंस्पेक्शन के लिए तैयार हो गया, जिसको 2 दिन लगे तैयार करने में। ये चौथी इवेंट, चौथी एक्टिविटी है और 5वीं इवेंट है। उसके बाद एफ इंजन भी इंस्पेक्शन के लिए तैयार हो गया, जिसमें 2 दिन लगे, हमने जो बाहर से पार्ट्स मंगवाए थे वो सारे असेंबल कर दिए 2 दिन में, और इंजन भी इंस्पेक्शन के लिए तैयार है। तो इस तरह से जो इवेंट्स एफ डी और ई हैं, ये अलग अलग 3 कार्य हमारे एक साथ चल रहे हैं। जो ए बी सी और एफ ऊपर वाला जो रास्ता है, पाथ है, वो दर्शाता है कि हमने जो बाहर से पार्ट्स मंगवाए वो सारे असेंबल कर दिए, और जो एफ इवेंट है जिसमें 10 दिन लगे ऑर्डर मिलने से लेकर के इंजन तैयार करने तक में, पहले हमने ए से बी जो ऑर्डर प्लेस हुआ था, बी से सी बाहर से पार्ट्स मंगवाए हैं, और सी से एफ उनको असेंबल कर दिया है, और इंजन एफ जो इवेंट है उस पर इंस्पेक्शन के लिए तैयार है। ए बी डी जी ये दूसरा पाथ है, जो बताता है कि हमने जो कार का जो मेन पार्ट था, बॉडी थी, वो अपने यहाँ तैयार की, और वो भी जो डी इवेंट है वहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए तैयार है, 4 दिन में हमने वो बॉडी तैयार कर दी। और जो ए बी ई जी ये तीसरा पाथ है, ये बताता है कि जो फ्रेम था कार का वो भी हमने साथ साथ ही तैयार कर लिया है, और ई पॉइंट पे हमारा फ्रेम भी तैयार है, 2 दिन में हमने तैयार कर लिया, और इंस्पेक्शन के लिए वो भी तैयार है। तो इसके बाद इंस्पेक्शन का टाइम दिया हुआ है कि इंजन की इंस्पेक्शन पे 1 दिन लगेगा, बॉडी के इंस्पेक्शन पे 3 दिन लगेंगे, और फ्रेम के इंस्पेक्शन पे 1 दिन लगेगा। और ये जो लास्ट की जो इवेंट्स दिखाई गई हैं, जो 6, 7, 8, ये 3 एक्टिविटी हैं। और जी इवेंट है,
ये है कार कार के कंप्लीशन की इवेंट, जो जी है दैट पॉइंट टेल्स अबाउट द कंप्लीशन ऑफ कार, कि हमने इंजन भी फिट कर दिया, फ्रेम भी फिट कर दिया और बॉडी भी, और कार हमारी कंप्लीट हो गई। उसके बाद जो एच इवेंट है उसमें तीनों भागों को जोड़ा गया है, जोड़ के तैयार कर दिया पूरी तरह से, 3 दिन और लगे और कार हमने बिल्कुल कंप्लीट कर दी। जी पॉइंट पे उनकी इंस्पेक्शन कंप्लीट हुई थी सभी की अलग अलग से। और इसके बाद आई पॉइंट दिखाया है, ये इवेंट है कि कार का तैयार होने के बाद निरीक्षण किया गया और उसको लदान के लिए तैयार कर दिया कि हम डिलीवरी देने के लिए तैयार हैं, 1 दिन उसमें लगा। तो ये हमारी 10वीं एक्टिविटी है। तो इस तरह से 10 एक्टिविटी कार को कंप्लीट करने के लिए इस चित्र में दिखाई गई हैं। और इसमें जो ए बी एक्टिविटी है वो कार को बनाने की योजना तैयार करने के लिए ये एक्टिविटी है कि हमने कार कैसे बनानी है, किन पार्ट्स का ऑर्डर देना है, कौन सा फ्रेम और बॉडी खुद तैयार करना है, उसकी जो प्लानिंग तैयार करनी है उसकी पहली एक्टिविटी दिखाई है ए बी एक्टिविटी, जिसमें 3 दिन हमें प्लान करने में लगे। उसके बाद बी सी एक्टिविटी, इंजन के पुर्जों का आदेश देने और उनको प्राप्त करने में लगने वाले टाइम के बारे में दिखाया गया है, ये दूसरी एक्टिविटी है जिसमें 5 दिन लगे। बी डी, ये जो मेन बॉडी है कार की उसको तैयार करने का दूसरा पार्ट दिखाया है, तो बी डी तीसरी एक्टिविटी है जिसमें 4 दिन लगे कार की बॉडी तैयार करने में। और बी ई चौथी एक्टिविटी, ये फ्रेम तैयार करने की एक्टिविटी है जिसमें 2 दिन लगे। उसके बाद सी एफ, जो ऊपर का मार्ग जो हमने बाहर से पार्ट्स मंगवाए थे, सी एफ जिसमें 2 दिन लगे, ये प्राप्त पुर्जों से इंजन के निर्माण में लगने वाला टाइम है। जो अब बाहर से सी इवेंट पे हमने पुर्जे प्राप्त किए थे, बाहर से जो ऑर्डर दिया था उसको फिट करना इंजन में, इंजन तैयार करना सी एफ एक्टिविटी। और इसके बाद डी जी एक्टिविटी, जहां बॉडी खुद बना रहे हैं मेन बॉडी, ये मेन बॉडी के निर्माण के बाद उसको इंस्पेक्शन में लगने वाला टाइम है, 3 दिन का टाइम। यानी जो डी जी एफ जी डी जी और ई जी, ये जो लास्ट के 3 एक्टिविटी दिखाई हैं ये इंस्पेक्शन की हैं तीनों एक्टिविटीज़। ईजी, ये फ्रेम तैयार होने के बाद इंस्पेक्शन पे लगने वाले टाइम को दिखाया गया है, 1 दिन। और उसके बाद जी एच, ये सारे भागों को इकट्ठा करने में लगने वाला टाइम है, जहां हम इंजन को असेंबल कर रहे हैं, 3 दिन का टाइम उसमें लगता है। और उसके बाद एच आई, कार का जो आखिरी इंस्पेक्शन होना है उसका टाइम दिखाया, जो 1 दिन का टाइम है। तो इस प्रकार से हम एक प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, उसका इवैल्यूएशन और रिव्यू क्यों ज़रूरी होता है, और उस प्रोग्राम में क्रिटिकल पाथ कैसे डिसाइड करते हैं। क्रिटिकल पाथ का मतलब होता है वो रास्ता, इन 3 रास्ते इस में हमें दिखाए गए हैं इस चार्ट में, वो रास्ता जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पाथ। तो इसमें जैसे 3 मार्ग दिखाए हैं, ए बी सी एफ जी एच आई, पहला मार्ग है जिसमें टाइम लग रहा है 10, 9, 19 और 8, 27, 27 और 5, 32, 32 और 3, 35 दिन। इसमें 35 दिन का समय लग रहा है पूरी कार को तैयार करने में, जो बाहर से पुर्जे मंगवाए, असेंबल किए, इंजन तैयार किया, तो इस मार्ग में हमें 35 दिन का टाइम लगा। दूसरा जो मार्ग है ए बी डी जी एच आई, जिसमें हमने मेन बॉडी तैयार की, उसमें टाइम लगा हमारा 1, 3, 4, 6, 10 और 29 दिन का। और तीसरे मार्ग में 18 दिन का टाइम लगा। तो इस प्रकार से जो बाहर से पुर्जे मंगवाना, उनको असेंबल करना, उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगा, जबकि 3 काम हमने एक साथ शुरू किए। तो जो सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाला पाथ होता है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पाथ। तो ये क्रिटिकल पार्ट डिसाइड करना, जो कि डार्क लाइन में दिखाया गया है, डार्क एरोस, तो इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड, यानी डिसाइडिंग अबाउट दी क्रिटिकल पाथ इज कॉल्ड क्रिटिकल पाथ मेथड, सो दैट वी कैन मिनिमाइज दी टाइम, समय को कम से कम कर सकें। तो इंजन बनवाने बनाने के जो पाथ है उसमें क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है, और उतने टाइम में हम मेन बॉडी बनाने का और फ्रेम बनाने का काम बड़े आराम से कर सकते हैं, इसलिए मैनेजमेंट के लोग
जो ज़्यादा टाइम लेने वाला पार्ट है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देते हैं कि उस टाइम को कम से कम किया जाए, और जो दूसरे कामों में लगने वाले समय पे जो मैनेजमेंट का ध्यान है वहाँ मैनेजमेंट अपनी एनर्जी बचा सकती है, अपना समय बचा सकती है, उन पर उनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती। और इस प्रकार से क्रिटिकल पार्ट डिसाइड करके और इस तरह का एक प्रोग्राम चार्ट तैयार करके उस चार्ट की मदद से हम समय को मिनिमाइज कर सकते हैं। इसी प्रकार कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए भी इस टेक्निक का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये टेक्निक है प्रोग्राम इवेल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। इनमें हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि पर्ट और सीपीएम इन दोनों तकनीकों में समानताएं क्या हैं और इनमें भिन्नताएं क्या हैं। जो पर्ट और सीपीएम हैं ये एक प्रोग्राम चार्ट एनालिसिस के पार्ट हैं, दोनों उसी से संबंधित हैं, लेकिन पर इनमें कुछ भिन्नताएं भी हैं। तो पहले समानताएं जान लेते हैं। पर्ट और सीपीएम दोनों पद्धतियों का प्रयोग बहुत जो बड़ी परियोजनाएं होती हैं उनमें प्लानिंग और कंट्रोल के लिए किया जाता है, जैसे समुद्री जहाज़ बनाने हैं या बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमने तैयार करने हैं उनमें टाइम कम से कम लगे, टाइम को मिनिमाइज़ किया जा सके और कॉस्ट मिनिमाइज़ की जा सके, उसके लिए हम पर्ट एंड सीपीएम का दोनों का ही प्रयोग करते हैं। तो पहली समानता तो ये है कि दोनों बड़े प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में काम में आने वाली तकनीक हैं। दूसरी समानता है कि पर्ट और सीपीएम दोनों एक क्रिटिकल पाथ को सबसे ज़्यादा महत्व देती हैं कि जिस पाथ में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है उस पर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। तीसरा, प्रोग्राम नेटवर्क दोनों में ही तैयार किया जाता है, एक ही चार्ट में ये जो पूरा चित्र है ये पर्ट को दिखाता है और जो डार्क लाइन हमने दिखाई ये सीपीएम क्रिटिकल पाथ को दिखाता है। तो ये जो नेटवर्क है ये दोनों ही, चाहे हम पर्ट की मदद लें या सीपीएम, दोनों में ही ये चार्ट बनाना ज़रूरी होता है। और चौथी समानता ये है कि इवेंट्स और एक्टिविटीज़ दोनों में ही डिसाइड की जाती हैं। जो हमने राउंड पॉइंट दिखाए हैं ए बी सी डी, ये जो सर्कल्स में दिखाए हैं ये सारे इवेंट्स हैं, और बाकी जो एक दो तीन चार पाँच ये दिखाई हुई जिनके नीचे दिन लिखे हैं वो एक्टिविटीज़ हैं। तो ये इवेंट्स और एक्टिविटीज़ पर्ट और सीपीएम दोनों में ही डिसाइड की जाती हैं। इनमें भिन्नता क्या है, असमानता क्या है? पहली असमानता, पर्ट का प्रयोग बिल्कुल जो नई परियोजना होती है उसमें किया जाता है। जो प्रोजेक्ट हम नया शुरू करते हैं, पहली बार कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं उसके लिए पर्ट का प्रयोग किया जाता है, जैसे कोई नई कार बनाना। जबकि क्रिटिकल पाथ मेथड सीपीएम का प्रयोग उन प्रोजेक्ट्स में किया जाता है जिनके बारे में पहले से हमें एक्सपीरियंस है, जैसे बिल्डिंग्स बनाते हैं, रोड बनाते हैं, पुल वगैरह जो लगातार हम बनाते रहते हैं उनमें क्रिटिकल पाथ मेथड का प्रयोग किया जाता है। दूसरी असमानता, दोनों पद्धतियों में टाइम एस्टीमेट भी अलग अलग हैं। पर्ट का प्रयोग बिल्कुल नए प्रोजेक्ट में होने के कारण इनमें अलग अलग जो एक्टिविटीज़ हैं उनका जो समय का निर्धारण है वो अनिश्चित होता है, हमें पहले जानकारी नहीं होती, इसलिए हम तीन एस्टीमेट लगाते हैं, जो वर्स्ट कंडीशन है, बेस्ट कंडीशन और नॉर्मल कंडीशन। तो पर्ट में ये तीन एस्टीमेट लगाए जाते हैं फिर उनकी एवरेज ली जाती है, जबकि सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड उसके बारे में हमें पहले पता होता है कि किस एक्टिविटी में कितना टाइम लगना है, इसलिए हमें ये तीन एस्टीमेट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तीसरा, पर्ट में जो टाइम एलिमेंट है उस पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, टाइम को मिनिमाइज़ करना, टाइम एस्टीमेट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उनको मिनिमाइज़ करने के लिए पर्ट का प्रयोग करते हैं हम। जबकि सीपीएम के अंतर्गत विभिन्न क्रियाओं में प्रयोग होने वाले साधनों और उसमें आने वाली लागतों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि साधनों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए और लागतों को कम से कम रखा जाए, मिनिमाइज़ किया जाए। कॉस्ट मिनिमाइजेशन में सीपीएम प्रयोग होता है जबकि टाइम मिनिमाइजेशन में पर्ट प्रयोग होता है। और चौथी भिन्नता एक ये है कि पर्ट में जो इवेंट्स हैं उन पे ज़्यादा जोर दिया जाता है जबकि क्रिटिकल पाथ मेथड सीपीएम में एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो इस प्रकार से पर्ट और सीपीएम में ये थोड़ा डिफरेंस है। अब इनके एडवांटेजेस जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और लिमिटेशंस वो भी हम जानने का प्रयास करते हैं। पर्ट सीपीएम का क्या फ़ायदा है, क्या यूजेज हैं, क्या लाभ हैं? पहला, इफ़ेक्टिव प्लानिंग एंड कंट्रोल, प्रभावपूर्ण नियोजन व नियंत्रण। पर्ट की सहायता से और सीपीएम की सहायता से
हम बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी बहुत कम समय में पूरे करने में सफल हो पाते हैं। लागतों को CPM की सहायता से मिनिमाइज किया जा सकता है। तो पहला यही एक एडवांटेज हम बताएंगे पर्टेंट CPM का कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग करनी है या उन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है वो इनकी सहायता से बहुत ही अच्छे तरीके से हम करने में सफल हो पाते हैं। सेकंड है प्रोप्रियोटाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो हमारे पास 5 साधन होते हैं उत्पादन के, मैन मनी मशीन मटेरियल मेथड्स, सभी का अधिकतम प्रयोग CPM की सहायता से बहुत ही प्रभावी तरीके से किया जा सकता है। थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। प्रबंधक एक्टिविटीज़ और इवेंट्स की सहायता से अनेक संयोग बनाकर देखते हैं और सबसे उपयोगी जो संयोग होता है उसको चुना जाता है। इस प्रकार उनमें डिसीजन मेकिंग पावर डिवेल्प होती है। फोर्थ है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रबल स्पॉट्स। समस्या वाली जो चरण है उनकी पहचान करना कि कहाँ कहाँ दिक्कतें आ सकती हैं। पूरे प्रोजेक्ट को छोटे छोटे भागों में बांट करके प्रत्येक भाग के महत्व को समझा जाता है। जो कार्य ज़्यादा जोखिम वाले होते हैं उनकी पहले से ही पहचान कर ली जाती है और उन पर विशेष ध्यान रखा जाता है, और जो नेगेटिव रिजल्ट्स जहाँ आ सकते हैं उनसे बचने का पूरा पूरा प्रयास किया जाता है। करेक्ट एस्टिमेट ऑफ टाइम। पर्ट में जो टाइम है वो 3 तरह से उसके एस्टिमेट लगाए जाते हैं, वर्स्ट कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन और बेस्ट कंडीशन। पर CPM में एक्सपीरियंस के आधार पर समय निश्चित किया जाता है और बेस्ट और करेक्ट एस्टिमेट लगाने का प्रयास लगातार किया जाता है जब जब भी पर्ट और CPM का प्रयोग किया जाता है। क्लैरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उत्तरदायित्वों की स्पष्टता। पर्ट और CPM में प्रोजेक्ट पे काम करने वाले सारे अधिकारियों के अधिकार और उत्तरदायित्व स्पष्ट कर दिए जाते हैं पहले ही, जिसकी वजह से विपरीत परिणाम आने की संभावना ना के बराबर होती है और सभी जिम्मेवारियां नियत होने की वजह से पूरी तरह से सचेत रहते हैं और अपनी पूरी क्षमता से कार्य करते हैं। तो इस प्रकार अनेक एडवांटेजेस हम पर्ट और CPM के बता सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जैसा पहला अनसर्टेनिटी ऑफ टाइम, समय की अनिश्चितता। पर्ट में क्योंकि परियोजना बिल्कुल नई होती है, नए प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे होते हैं और समय के हालांकि 3 एस्टिमेट लगाते हैं, लेकिन फिर भी कई बार अनुमान गलत होने की संभावनाएं रह जाती हैं जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें भी आ सकती हैं। दूसरा है लिमिटेड यूज़। पर्ट का प्रयोग केवल जो बार बार ना दोहराए जाने वाले प्रोजेक्ट हैं, जो एक बार ही हमें मिलते हैं और बार बार वो प्रोजेक्ट हमें नहीं मिलते, सिर्फ उसी में ही किया जा सकता है। थर्ड है मोर एम्फेसिस ऑन टाइम। पर्ट में केवल समय पे ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है जबकि लागतों पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता। फोर्थ है दीज आर नॉट एनासिया, ये कोई रामबाण नहीं। तो कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि पर्ट CPM कोई ऐसे टेक्निक नहीं है कि जिसको एक बार हम लागू कर दें और उसके बाद बिल्कुल मस्त हो जाएं, बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं कि अब तो बस हमने पर्ट CPM प्रयोग कर लिया है, अब तो किसी प्रकार की कोई परेशानी आएगी ही नहीं। ऐसा नहीं है। ये तकनीक प्रबंधकों में कुशलता ज़रूर लेके आती हैं, टाइम और कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने में पार्ट और CPM बहुत सहायक सिद्ध होती हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रबंधकों को बहुत सचेत रहकर इनका निर्धारण और इनका पालन करना ज़रूरी होता है। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट प्लीज़।